अस्सलाम वालेकुम बस, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेजबान जुनैद बगदादी आज आपके लिए टाउन का सबसे खूबसूरत 3 मल्ला डबल स्टोरी का घर लेकर हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर की लोकेशन, इसकी प्राइस और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन की जो डिटेल है इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखनी है और हो सके तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। ये घर रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है, हमजा टाउन फेज 2 C ब्लॉक में नाजरी इसकी लोकेशन है। ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, इसके साथ एक और घर हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी का घर आप वो भी बनवा सकते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा भाई या बहन स्टाफ लोन पे ये घर लेना चाहता है तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मॉडर्न डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए इस घर को डिजाइन किया गया है। और मटीरियल जिस तरह के मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि मटीरियल के बारे में हमने आपको नहीं बताना, हमारी चीज है, हमने इसकी 100 दफा तारीफें करनी है, हर चीज को हमने बढ़ के बताना है कि हमने ये चीज लगाई है। हम आपसे ये कहते हैं कि आप अपने किसी भी ठेकेदार, आर्किटेक्ट, जिसको थोड़ी सी भी कंस्ट्रक्ट के बारे में हाउ ना हो उसको लेकर आए, उसे ये मटीरियल खुद चेक करवाए। बेसिकली ये जो घर है मैंने इसलिए दावा किया कि हमजा टाउन का ये सबसे खूबसूरत घर है। इसमें बड़ा डिटेलिंग के साथ इसकी वॉल्स पे इसका सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो इंटीरियर डिजाइन है यानी बड़ी बारीकी के साथ ना इस पे डिटेलिंग के साथ काम किया गया है। ये आपको कारपोर्च का एरिया यानी आपको तकरीबन जो छोटी गाड़ी है ना वो इजीली यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। लाइट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पाउडर रूम की ऑप्शन मिलती है और इस पूरे घर के अंदर आपको 4 वॉशरूम मिल रहे हैं और यहाँ से 2 मेन एंट्रेंस मिलती है। इस घर का तकरीबन 10% काम रहता है, वो इंशाल्लाह हम करवा के उसकी बल्कि अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये ऊपर वाले पोर्शन की सेपरेट पार्टीशन हो जाएगी और यहां से जैसे हम इंटर होते हैं मैं आपको बल्कि इसका जो मेन डोर है उसकी लुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही नफासत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया गया और टोटल जो दीवारें हैं इसकी 9 इंच की दीवारें, सेंटर वाली भी आप देख सकते हैं पूरे 9 इंच की दीवार है। यहां से हम जैसे ही इंटर होते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीरियर डिजाइन माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है, आप टाइल वर्क चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सामने इसकी हर जो वॉल है वो थीम वॉल है, सामने आप देख सकते हैं नीचे से बनाई गई है, उसके अंदर बड़ा खूबसूरत आपको एक फील, नेचुरल एक फील का आपको जो वॉलपेपर है वो इंस्टॉल मिलता है। और इसके सामने आप हमें मिलती है बड़ी खूबसूरत सी एक मीडिया वॉल जिसमें आपको नेट की, केबल की, ठंडे गर्म पानी की, एसी की, यूपीएस की मुकम्मल जो वायरिंग है आपको इस घर में इंस्टॉल मिलती है। सीलिंग डिजाइन आप चेक कर सकते हैं और इस घर के अंदर फैन आपको इंस्टॉल मिलेंगे। टीवी लॉन्च के साथ ही लिंक किया गया है यहाँ पे इसके किचन को और किचन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक हॉट और जो बर्नर है वो इंस्टॉल मिलेगा। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस घर का काम थोड़ा सा रहता है, वो इंशाल्लाह हम करके देने के पाबंद होंगे। शीट आप चेक कर सकते हैं, ये यूवी की शाइनिंग में शीट है और इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, ये शीट खराब नहीं होगी। आपको अप एंड डाउन में, लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे आपको प्रॉपर कवर्स मिल जाते हैं, जिक की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पे बर्नर इंशाल्लाह आपको फिटिंग इंशाल्लाह मिलेगी। और इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे 3 मल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरा एक मास्टर बेडरूम जिसका साइज 14.5x13 इस बेड का साइज है और इसका टाइल वर्क आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीलिंग डिजाइन आप इस तक चेक कर सकते हैं, फैन आपको इसमें इंस्टॉल मिलेंगे और 3 सेशन में फुल हाइटी वॉल ड्रॉप्स आपको इस वाले बेडरूम में मिलती है। और वही सेम KMI की जो शीट है वो इस वॉल ड्रॉप्स के अंदर यूज की गई है। यहाँ पे आपको 4x5 की प्रॉपर एक वेंटिलेशन विंडो और यहाँ पे भी जो दीवार है ये हालांकि 4 इंच की चल जाती है लेकिन यहाँ पे भी ये पूरी 9 इंच की दीवार है, वो वाली जो दीवार है वो भी 9 इंच की है। RCC लेंटर है, घसू की भर्ती इसमें की गई है और सामने आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर थीम वॉल यहाँ पे डिजाइन की गई है जहां पे आप मीडिया वॉल के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है इसका खूबसूरत सा अटैच बाथ जिसमें आपको मिलती है वैनिटी। और यहाँ का मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि यहाँ हमजा टाउन में तकरीबन 160 या 170 फीट पे पानी निकला था और ये पानी जो है बोरिंग वाला, यहाँ पे बोरिंग वाला पानी है और पीने के काबिल पानी है। हमारे ऑफिस में जब भी आप विजिट आएंगे हम आपको टेस्ट करवाएंगे, मीठा पानी है यानी एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो इंशाल्लाह आपका बचेगा। रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है, हमजा टाउन फेज 2 C ब्लॉक में नाजिर इस घर की लोकेशन है, 55 55C इस घर की जो नंबर है। और इस घर की अगर हम आस्किंग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है।
बहुत ही मुनासिब रीजनेबल इस खूबसूरत घर की प्राइस है, और प्राइस इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे अगर इसमें भी कोई गुंजाइश निकल सकी तो हम लाजमी आपको फेवर देंगे। बकाया इसका आप सीलिंग डिजाइन थोड़ा सा देख सकते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको विजिट करवाते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो माशाल्लाह नीचे वाले पोर्शन से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये स्टेज आप देख सकते हैं, स्टेज के साथ साथ ही लाइटिंग यहाँ पे लगाई गई है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ऊपर वाले पोर्शन में जैसे ही हम एंटर होते हैं, यहाँ पे हमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉर्नर पे एक छोटा किचन हमें ऑप्शन मिलती है, जिसकी प्रॉपर एग्जॉस्ट यहाँ से रखी गई है और पाइप बाहर जा रहा है, ताकि अगर आप यहाँ पे कुकिंग करें तो स्मोक या यहाँ पे हीट ना हो। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर एक थीम वॉल हमें मिल रही है, और यहाँ पे सेल्फ बुक के लिए भी स्पेस आपको नाजीन यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ ही नाजीन हमें मिलता है यहाँ पे टेरिस के साथ वाला जो बेड है, इसको हम बेबी बेड कहते हैं। ये सामने आपको एक प्रॉपर थीम वॉल मिल रही है, जिसमें 3D वॉलपेपर इंस्टॉल मिलेगा, और इसमें भी सू सेशन में फुल हाइट वार्डरोब के में शीट की जो यूज करके इसको बनाया गया फुल हाइट है, और इसके साथ अटैच बाथ जिसमें तमाम जो नेसेसरीज हैं वो आपको इंस्टॉल मिलेंगी। इसके साथ ही नाजिन यहाँ पे बेड नंबर 3 आपको मिल जाता है सेम उसी साइज का। आपके बेड का साइज आप चेक कर सकते हैं, 3 मल्ले में बेहतरीन, ये सेम वही है तकरीबन, ये 14x14 का ये बेड है, जिसमें 3 सेशन में फुल हाइट वार्डरोब आपको मिलती है, सीलिंग डिजाइन बेहतरीन मिलता है। और नॉर्मली होता है कि बेडरूम या ड्राइंग रूम वहां पे एक दीवार पे वॉलपेपर लगता है, और वॉलपेपर की जो कॉस्ट है वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको बैक साइड पे भी एक वॉलपेपर मिल रहा है, और मेरे बिल्कुल सामने भी बड़ा ही खूबसूरत डिसेंट सा एक आपको वॉलपेपर यहाँ पे भी इंस्टॉल मिल रहा है। और इसी के साथ आपको इसका अटैच बाथ, जिसमें एक्सेसरीज आप चेक कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पे एक बेहतरीन क्वालिटी की आपको एक्सेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल मिलती है। तो नाजरीन उम्मीद है कि आपको घर पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बैंक लोन के जरिए या इस बजट में घर लेना चाह रहे हैं तो एक दफा अपनी फैमिली के साथ लाजमी प्लान करें इस घर को विजिट करने का। आपको इंशाल्लाह ताला घर, घर का मटेरियल, इसके डॉक्यूमेंटेशन और सोसाइटी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। बकाया आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ